हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। सो कैसे हैं आप सभी? आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, इसमें हम अपना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट, जो कि वाटर डिमांड, आपका इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट जो हमारी क्लास थी, उसमें हमने वाटर डिमांड फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया था, डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड लाइक एनुअल, एवरेज, डेली ड्राफ्ट किसको कहते हैं, जिसको हमने लिखा था AADT, एनुअल एवरेज डेली डिमांड या फिर एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट। ठीक है, पर कैपिटा डिमांड क्या होती है ये समझा था, डिफरेंस क्या होता है डिस्चार्ज एंड वॉल्यूम में। मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ पर ये टर्म कैलकुलेट कर रहे हो वी अपॉन 365, वी क्या है, टोटल एक साल में पानी की डिमांड कितनी थी, लीटर्स में ये वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 365 कर रहे हो, तो हम एक दिन की एवरेज डिमांड निकाल रहे हैं जो कि डिस्चार्ज की वैल्यू है। चलिए तो अभी की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले बात आती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ये ध्यान रखिए, देखो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है तो इसका मतलब यहाँ पर इसके नाम में से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस वाटर की रिक्वायरमेंट की यहाँ पर ये बात कर रहे होंगे। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड मतलब आपको पानी किसके लिए चाहिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए चाहिए होगा, ठीक है, कुकिंग के लिए पानी चाहिए होगा, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, तो ये सारे डिफरेंट पर्पसेस जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड में है ये कवर होते हैं। मतलब जो आपको पीने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए, वॉशिंग के लिए चाहिए, ये सारी डिमांड हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड में कवर करते हैं। ठीक है, जनरली आपको ये रेंज ध्यान रखनी है, जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है वो 135 LPCD से 225 LPCD तक वेरी करती है। और ये LPCD क्या है, लीटर पर कैपिटा पर डे, जिसका मीनिंग मैंने आपको पहले की क्लासेस में समझा दिया है। और जनरली बात की जाए जो आपकी टोटल डिमांड होगी, टोटल डिमांड का अप्रॉक्सीमेटली 50-60% आपकी डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है। और डोमेस्टिक का मीनिंग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आती है आपकी यहाँ पर इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड नाम से समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रीज़ को जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इसकी भी आपको रेंज याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड 50 LPCD से 450 LPCD तक वेरी करती है। नेक्स्ट आती है इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल वाटर डिमांड, मतलब जो हॉस्पिटल्स में पानी चाहिए होगा, स्कूल्स हो गए, ऑफिस हो गए, उसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 20 LPCD से 50 LPCD तक वेरी करती है। आपको इन सभी की रेंज याद रखनी है, आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में किसी का भी रेंज यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड की बात कर रहे हैं तो 135 से 225 LPCD के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट आता है डिमांड फॉर पब्लिक यूज़। अब पब्लिक यूज़ जो है ये पार्ट, इसमें हम लोग कौन सी डिमांड की बेसिकली बात कर रहे हैं, लाइक जो अगर हम यहाँ पर इसका एग्जांपल लिखें तो हम लोग बात कर सकते हैं वॉशिंग ऑफ रोड्स। ठीक है, रोड वगैरह वॉश करने हैं उसके लिए, या फिर गार्डनिंग पर्पसेस के लिए। आप देखते हो कि आप गार्डन में जाओगे तो वहाँ पर अब जो भी मतलब पानी यूज़ हो रहा होगा गार्डनिंग पर्पसेस के लिए, या फाउंटेन्स लगे होंगे वहाँ पर पानी यूज़ हो रहा होगा, तो यहाँ पर डिमांड ऑफ पब्लिक यूज़ में हम उस वाटर के लिए बात करते हैं। और इसकी वैल्यू जनरली 10 LPCD से 20 LPCD तक वेरी कर सकती है। और हम ये भी कह सकते हैं अगर परसेंटेज की फॉर्म में बात करें, जो टोटल डिमांड होगी उसका 5-6% डिमांड होगी पब्लिक यूज़ के लिए। ठीक है, 5-6% ऑफ टोटल डिमांड। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हो फायर डिमांड। अब फायर डिमांड एक ऐसी डिमांड है, अब ये भी हम नाम से आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी एरिया में अगर फायर ब्रेकडाउन हो जाता है, किसी भी एरिया में अगर फायर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम लोगों को क्या कुछ अलग से वाटर स्टोर करके रखना पड़ेगा उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हो सकता है ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ जाए, और आपने पानी इन सभी डिमांड्स को कंसीडर करके वाटर स्टोर करके रखा है। ठीक है, अब ज़रूरत, बिल्कुल सही बात है, ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। अब डिपेंड करेगा फायर ब्रेकडाउन के लिए वाटर स्टोर करना है या फिर नहीं, किस चीज़ के ऊपर, ये डिपेंड करेगा कि जो सिटी है जिसके लिए आप यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो उसकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, सिटी है, पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितना है उस सिटी का।
अगर उस ए मतलब अगर हम बात करें कोई सिटी जनरल जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 50,000 होगी, तो वहां पर हम अलग से प्रोविजन नहीं देते हैं फायर डिमांड के लिए। मतलब अलग से आपको इस चीज़ को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा फायर डिमांड को। लेकिन जिन एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ऑब्वियस सी बात है जब 50,000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पर अगर फायर ब्रेकडाउन हो जाता है, वो एरिया भी ज़्यादा होगा, अगर फायर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमें उसके लिए अलग से प्रोविजन स्टोर करके रखना पड़ेगा पानी को। अब जो पानी को अलग से स्टोर करना है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करें, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करके। एम्पिरिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मैं वॉल्यूम नहीं निकाल रही हूँ, इन एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैं डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, इन एम्पिरिकल फॉर्मूला से मैं डिस्चार्ज की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करूँगी। तो सबसे पहले बात आती है, सबसे पहला आपका जो फॉर्मूला आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला में फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ योर कुचलिंग मेथड या कुचलिंग फॉर्मूला। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या बोलता है, फायर डिमांड कैलकुलेट कर रहे हो क्यों? मैंने पहले ही कह दिया मैं डिस्चार्ज निकाल रही हूँ, वॉल्यूम नहीं निकाल रही हूँ, डिस्चार्ज और वॉल्यूम में डिफरेंस है। सो क्यू जो है डिस्चार्ज, ये लिख रहे हैं हम लीटर पर मिनट में, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड की जो यूनिट्स होंगी वो लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट से नहीं मैच करेंगी। अगर आपको ये आपने पढ़ रखा होगा, ये आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख रही हूँ कि इतना अमाउंट ऑफ वाटर, इतना लीटर पर मिनट, एवरेज वैल्यू है ये आपकी, इतना लीटर पर मिनट वाटर रिक्वायर हो सकता है आपको। ठीक है, और यहाँ पर पी की वैल्यू क्या है, मैंने पहले कह दिया 50,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो अलग से फायर डिमांड के लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा, फायर डिमांड को भी कंसीडर करना पड़ेगा। पी क्या डिनोट कर रहा है, पॉपुलेशन। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि हम गलती कहाँ पर करते हैं एग्जाम में, पॉपुलेशन की यूनिट क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना है पॉपुलेशन हम जो यहाँ पर पुट कर रहे हैं वो पुट कर रहे हैं इन थाउजेंड्स। अब पॉपुलेशन इन थाउजेंड का मतलब क्या है, आप देखो राइट हैंड साइड में आप पॉपुलेशन पुट कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में लीटर पर मिनट में आ रहा है, तो आप सोचोगे यूनिट्स तो मैच नहीं कर रही है। यही एम्पिरिकल फॉर्मूलाज होते हैं, इसमें कभी लेफ्ट और राइट की यूनिट्स मैच नहीं करती हैं। अब पॉपुलेशन मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख पॉपुलेशन को हम इन थाउजेंड्स क्या लिख सकते हैं, 100,000s। तो इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको फायर डिमांड कैलकुलेट करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आप पी की वैल्यू को किस में पुट करोगे, इन थाउजेंड्स, 1 लाख पॉपुलेशन दिए, 100,000 उसका मीनिंग हुआ, तो पी की वैल्यू को यहाँ पर 100 पुट करो, आपके पास डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और याद रखना यहाँ पर भी गलती होती है, जो डिस्चार्ज की वैल्यू है उसकी यूनिट्स यहाँ लीटर पर मिनट्स में ही होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है या फिर मेथड आप इसको बोल सकते हो, दैट इज़ योर फ्रीमैन्स मेथड, फ्रीमैन मेथड। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको डिस्चार्ज निकालना है, हम ये क्या निकाल रहे हैं, फायर डिमांड के लिए एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। तो लीटर पर मिनट में निकालोगे, फॉर्मूला इज 1136 पी अपॉन 10 प्लस 10। अगेन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो पी है, पी इज़ योर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन की यूनिट क्या है, पॉपुलेशन हमारे पास यहाँ पर अगेन इन थाउजेंड्स होगी, तो 1 लाख होगी तो 100,000 पुट करोगे, 2 लाख होगी तो 200,000 पुट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है आपका नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्चार्ज निकालना है, क्या यूनिट्स हैं, लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट में निकालोगे इज इक्वल्स टू 4637। याद रहे आपको मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ईएससी में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फ्रीमैन्स मेथड है, आपको करेक्ट आंसर मैच करना होगा या करेक्ट आंसर बताना होगा। तो आपको ये फॉर्मूलाज बिल्कुल ईएससी के लिए याद रखने पड़ेंगे, गेट में अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, पर ईएससी के लिए आपको ये फॉर्मूलाज बिल्कुल पढ़कर जाने हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं बस्टन मेथड या बस्टन फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिस्चार्ज निकाल रहे हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा 5663 अंडर रूट ऑफ पी। और याद रखना है अगेन कि इन सारे फॉर्मूलाज में जो मैं पॉपुलेशन की वैल्यू पुट कर रही हूँ वो हमारी थाउजेंड्स में, जो भी पॉपुलेशन की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ वो हमारी थाउजेंड्स में। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सी डिमांड हमने कवर की, डोमेस्टिक वाटर डिमांड की वैल्यू
135 LPCD से 225 LPCD के बीच वेरी कर रही है, इंडस्ट्रियल 50 से 450, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल 2250, पब्लिक यूज़ वॉशिंग ऑफ रोड्स या गार्डनिंग पर्पसेस के लिए टोटल डिमांड का 5 to 6%। फायर डिमांड, कहीं पर फायर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको एटलीस्ट कितना पानी स्टोर करके रखना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, इंपेरिकल फॉर्मूलाज का यूज़ करके। पहला पड़ा कुशलिंग मेथड, फ्रीमेंस मेथड, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फॉर्मूला, नेक्स्ट इज योर बस्टन मेथड। एक और फायर डिमांड रह गई है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। नेक्स्ट इज जो आपका, सॉरी, फायर डिमांड तो नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं कि कुछ एक पानी आपका लॉसेस एंड थेफ्ट्स में भी चला जाता है, लॉसेस एंड थेफ्ट्स में। अब लॉसेस का मतलब क्या है कि जब आप पानी क्या कर रहे हो, किसी सोर्स से लेकर आ रहे होंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, सोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ला रहे हो, फिर आपका एक सर्विस रिजर्वायर है, वहां से पानी आप किसी कम्युनिटी को सप्लाई कर रहे हो। हमने ये स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में ही पढ़ लिया था, सोर्स से पानी लेकर आए विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड पंप्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमने इसको ट्रीट किया, और उसके बाद एक सर्विस रिजर्वायर है जहाँ पानी स्टोर हो रहा है, और उसके बाद वो कम्युनिटी में सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जब पाइप्स वगैरह से पानी जाएगा तो हो सकता है कि कुछ लीकेज हो, और उस लीकेज में कुछ पानी वेस्ट हो सकता है। मान लीजिए आपने क्या देखा था कि कम्युनिटी को जो एक दिन में मैंने पानी सप्लाई करना था उसका अमाउंट आप निकाल चुके थे, एक्स वाई जेड कोई भी अमाउंट हो सकता है। अब मान लीजिए डिमांड जो सिटी की थी वो 200 LPCD थी, ठीक है, 200 LPCD थी, तो 200 LPCD कंसीडर करके मैंने यहाँ से पानी सप्लाई कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ पानी यहाँ पर वेस्टेज में आपका कुछ पानी वेस्ट हो गया। वेस्ट कैसे हुआ, जो पाइप्स वगैरह में पानी बह रहा था, हो सकता है कुछ लीकेज हुई हो, और लीकेज हुई उसकी वजह से कम्युनिटी को पानी कौन कितना पहुंचा, मान लीजिए 190 LPCD के अकॉर्डिंग, भेजा मैंने 200 था लेकिन बीच में वेस्टेज की वजह से वो कम पहुंच पाया, और कम पहुंचा तो मतलब हम डिमांड को पूरा यहाँ पर नहीं कर पाए, और डिमांड को ऐसा तो है नहीं हमने पूरा नहीं करना है, हमने तो डिमांड को पूरा करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ भी कंसीडर करनी पड़ेगी जो लीकेज में वेस्टेज होती है, और इसके साथ साथ मैंने थेफ्ट लिखा है। आपने देखा होगा आपके घरों में जो भी वाटर का कनेक्शन है, तो सारे एरियाज में नहीं होता ऐसा, जनरली वाटर मीटर लगे होते हैं कि आपने जितना पानी खर्च किया है उसका बिल आएगा, है ना। और कई बार लोग क्या करते हैं कि दूसरे का कनेक्शन चोरी कर लेते हैं, फिर बिल दूसरा दे रहा है, पानी आप भी यूज़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब कुछ पानी थेफ्ट में चला जा रहा है, तो थेफ्ट में कुछ लॉसेज हो रहे हैं। तो लॉसेज जनरली हम कंसीडर कर सकते हैं, लीकेज हो सकती है या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम लोगों को तो डिमांड पूरी करनी है और हम लोग वो पूरी नहीं कर पाए इन लॉसेस की वजह से। तो ये क्या थी हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड। तो आपने ये सारी डिमांड की रेंज याद रखनी है जितनी मैंने आपको आज वैल्यूज बताई, और साथ में इंपेरिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिमांड ऑफ वाटर को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड ऑफ वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये सभी फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप मैंने आज जितनी चीज़ें बताई आपको समझ में आई होंगी, और ESC के लिए आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी होंगी। गेट में ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको आज का ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी है, और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ साथ में मिलती रहे। तो आज की सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं एवरीवन।